हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है फिर एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बताने वाले हैं कि मेरा पार्सल हम ऑर्डर किए थे और पार्सल पहले बोला कि 21 तारीख को पहुंचाएंगे, फिर 21 तारीख को डेट फेल होकर के बोला 26 पहुंचाएंगे, 26 को भी फिर नहीं पहुंचा मेरा पार्सल। उसके बाद फिर बोला कि 27 को पहुँचाएंगे, लेकिन 27 को शाम में मेरा पार्सल आया है। तो वो पार्सल हम दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके कि पार्सल में क्या है। आप देख रहे होंगे कि ये पार्सल मेरा है ना, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये मेरा पार्सल है ना। इधर से देखिए इसको, ये मेरा पार्सल है जो कि 27 तारीख को आया है। आज इसको हम इसमें अनबॉक्सिंग करके दिखाएं कि इस पार्सल में मैंने क्या मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, वो आप लोग के बीच हमें शेयर करने वाले हैं। और मेरा रियल लाइफ में क्या हो रहा है, अभी मैं क्या करता हूँ, वो आप सबों के बीच हम शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर करेंगे इस पार्सल को ओपन करके। मैं इस पार्सल को अनबॉक्सिंग करूँगा और दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके कि इसमें से क्या है और मेरा रियल लाइफ क्या चल रहा है, हम क्या करते हैं, तो दिखाएंगे आपको। तो हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि मेरा पार्सल में आखिर है क्या, ऐसे कौन चीज़ है ये पार्सल में जो कि डेट फेल करके दूसरे डेट में पहुंचाया गया है इस पार्सल में। तो अभी हम आप लोगों को साथ ये पार्सल में जो निकलेगा वो आप लोग को बताने वाले हैं, यानी कि इस बात को शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको पार्सल कर रहे हैं, पार्सल अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए ये पार्सल में आया था। और ये साथ कुछ में कुछ लिखा है, नो पैजिंग एंड पैकिंग, इसमें लिखा है कुछ। पार्सल का पर्ची आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, पार्सल का पर्ची इसमें आया ऊपर में। ठीक है, अब इसका अंदर है क्या वो दिखाते हैं। लो बाबू पकड़ो, तो ये पार्सल में ये था बुक, ये बुक है पार्सल में। मैंने इस बुक को ही मंगवाया था और वीडियो बनाने के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ में टाइम निकाल करके वीडियो भी बना लेते हैं। मुझे वीडियो बनाने में बहुत रुचि है, पढ़ाई करने में भी बहुत रुचि है। जिन भाइयों अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई को जारी रखिए, छोड़िएगा नहीं, साथ में जो करते हैं करिए, लेकिन पढ़ाई को भी जारी रखिए, कुछ ना कुछ पढ़िए। उससे क्या होता है, शिक्षा जो है ना ग्रहण कीजिए। और शिक्षा के मामले में कहता है कि कोई अगर कुछ है घर में तो वो भाईचारे में बंटवारा हो जाएगा, लेकिन शिक्षा जो है, ज्ञान जो है, वो बंटवारा नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई भी जारी रखिए, आप लोग पढ़ते भी रहिए, यही हम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ। तो ये कौन बुक है, तो यूथ कंपटीशन टाइप्स है। तो इसमें देखते हैं रीजनिंग का, ये है बुक, यहाँ लिखा है कि रीजनिंग और सेल्फ पेपर भी दिया हुआ है, चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है और वर्कशीट परीक्षण दिया है, इसमें लिखा हुआ है, सेल्फ पेपर भी दिया है। इसमें से क्वेश्चन प्रश्न दिया है 8418 प्लस दिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिखाएंगे बाबू पढ़ना, तुम भी बाद में पढ़े, बताने दो दोस्तों सबको। तो देखिए यहाँ लिखा है, इस जगह लिखा है ना, यहाँ लिखा है, हाँ लिखा है। आज इसमें चैप्टर वाइज है, तो क्या चैप्टर वाइज है वो भी देखेंगे, किस टाइप का दिया हुआ है रीजनिंग बुक में। ये मुझे अच्छा लगा, दोस्तों ने मंगवाया था इसलिए हम भी ये बुक मंगा लिए हैं, पढ़ने में अच्छा लगा है और देखते हैं, ताकि हम दोस्त का बुक देखे थे, अच्छा लगा था इसलिए इसको हम भी मंगवा लिए हैं, देखते हैं। फाड़ देगा इसको, उधर करो, उधर करो इसको, ये लो तो बाबू, ये लो तुम इसको देखो, तो बड़ा हो जाएगा तब फिर पढ़ना बुक। ये बेहतरीन बुक है, ये विषय सूची में आप लोग को बताना जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो जो भाइयों पढ़ते हैं या कंपटीशन तैयारी जो करते हैं उसके लिए बेहतर है, कोई भी चीज़ का कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर
जो है ना पूछा गया है 2016 से लेके यहाँ लिखा है 2019 से तक आरआरबी की विभिन्न परीक्षाओं की सभी फिर 7 प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इसको 2016 से लेके 2019 तक रेलवे ने जेई एनटीपीसी वगैरह वगैरह जितना सारा पूछा गया है सब इसमें दिया गया है, इसमें सॉल्व किया गया है। तो देखिए हम बताने अभी जा रहे हैं। फर्स्ट में आता है विषय सूची में सादृश्य भाग एक में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। भाग दो में कोडिंग डिकोडिंग। भाग तीन में वर्गीकरण दिया है, वर्गीकरण। चार में श्रृंखला। पाँच में लुप्त संख्या अक्षर पद आकृति। पाँच में दिशा परीक्षण भाग पाँच है। उसके बाद भाग छः में दिशा परीक्षण है। भाग सात में रिक्त संबंध, यानी रक्त संबंध, सॉरी रिक्त नहीं है, रक्त संबंध है। और भाग आठ में अंकगणित संक्रियाएँ दिया है। भाग नौ में वैन आरेख। भाग दस में दिया है आरेख पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद भाग ग्यारह में पहली परीक्षण दिया है। भाग बारह में न्याय निगमन दिया है। भाग तेरह में कथन और निकष दिया है। भाग चौदह में कथन तर्क तर्क एवं पूर्वधारण ये दिया है। इसको आगे इधर भी दिया है, यानी कि पूरा इस तरह दिया है, डिटेल्स बाय डिटेल्स, चैप्टर वाइज दिया है। जो जो दोस्तों या जो भाई बहनों पढ़ते हैं पढ़ाई भी कीजिए, कंपटीशन भी साथ में कीजिए, जो वीडियो भी बना रहे हैं वीडियो भी बनाइए और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा गुजारिश आप लोगों से कि पढ़ाई नहीं छोड़िए, साथ साथ में पढ़ाई भी कीजिए। ज्ञान बहुत, गरीबी को दूर करने के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज्ञान हासिल करना, जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उसको। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और ये किताब भी किस टाइप का है ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर देखते हैं नए वीडियो पर मिलते हैं। ओके, जय हिंद।